जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों एक और कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये जो कुंडली है वो है वंदना चौबे जी की। वंदना जी मिलान कीजिए 5 जनवरी 2006 समय 1:26 PM जबलपुर मध्य प्रदेश। आपने कुंडली के विवरण के बारे में बोला है, आपका जो जन्मांक चक्र आया वो मेष लग्न का है। लग्न में ही मंगल विराजमान है, अर्थात राजयोग बनाकर बैठे हैं। चौथे स्थान में शनि वक्री होकर बैठे हैं। छठे स्थान में कन्या राशि में केतु, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव उसमें गुरु विराजमान है तुला राशि में। सूर्य और बुध धनु राशि में भाग्य भाव में स्थित हैं। शुक्र दशम भाव में मकर राशि में स्थित हैं वक्री होकर। चंद्र राहु की युति मीन राशि में 12वें भाव में है। पंचांग की बात करें, तिथि आपकी षष्ठी शुक्ल पक्ष की, करण तैतिल, योग वरियान, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद चतुर्थ चरण, वार गुरुवार। लग्न मेष 19 डिग्री का है, भरणी नक्षत्र में है अर्थात शुक्र के नक्षत्र में है, 19 डिग्री का है, युवा लग्न है, मजबूत लग्न है, अच्छा लग्न है। वर्ण विप्र है, योनि सिंह है, गण मनुष्य, नाड़ी आदि, राशि मीन, पाया तांबे का है। अब बात करते हैं विप्र वर्ण अर्थात जब वर्ण ब्राह्मण आता है, विप्र आता है तो राहु ज़्यादा कष्ट उनको देता है, संघर्ष काफ़ी करवाते हैं राहु। 12वें भाव में बैठा है, मैंने बताया है 12वें भाव में राहु अत्यधिक क्रोध दिला देता है। अगर लग्नेश मजबूत ना हो, लग्न मजबूत ना हो तो ऐसे इंसान बिना कुछ किए भी अपमान का शिकार हो सकता है। अगर मंगल की या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे इंसान जेल में भी जा सकता है। महादशा जो आपके चली गई है उसकी बात करें शनि की, 19/7/2007 से 19/7/2026 तक मेष लग्न है, मंगल स्वामी है, तो यह मंगल जो है उसका परम शत्रु है शनि, और शनि चतुर्थ भाव में अच्छा फल नहीं देते, अर्थात ऐसी कंडीशन ये उत्पन्न कर देते हैं कि आप परिवार में रहते हुए भी परिवार से अलग थलग रहेंगे, परिवार वाले आप पर क्या तो ध्यान नहीं देंगे या परिवार से आपकी बनेगी नहीं, मतभेद चलता रहेगा, परिवार से दूर भेजने की कोशिश में शनिदेव रहते हैं, परिवार वालों से संबंध थोड़े अच्छे नहीं रहते, दूसरों के आप काम आएंगे। यह है शनि का प्रभाव, लेकिन शनि की महादशा चली गई है। शनि हमको पढ़ाई से दूर कर देते हैं, शिक्षा से दूर कर देते हैं। शनि अगर मार्केश है तो हमको हर सुख से दूर कर देते हैं। हम जो मेहनत करते हैं उसका फल हमको ना के बराबर मिलता है, कम मिलता है, जिससे निराशा होती है वो शनि देते हैं, संघर्ष ज़्यादा करवाते हैं। शनि चतुर्थ भाव में बैठ गए, माँ को परेशानी, शारीरिक समस्याएं,
माँ आपकी वजह से काफी परेशान रहेंगी, क्योंकि चतुर्थ भाव चंद्रमा भी राहु के साथ युति बनाकर बैठा है, पीड़ित है, चंद्र राहु का ग्रहण दोष है। तो आपको मानसिक चिंता, डेंगू जैसी एक बार गंदी बीमारियां अवश्य देंगे, तो सावधान रहिएगा इनकी दशा में। और माता जी को नजला, खांसी, जुकाम, सांस दमे की जो बीमारी है आदि परेशान कर सकती है, या माँ का अभाव भी चंद्र राव की युति यहाँ पर दे सकती है। गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, यहाँ बुध और शुक्र जो हैं वो दिग्बली होते हैं, कारक माने गए हैं। गुरु यहाँ बिल्कुल भी शुभ फल नहीं देते, अर्थात गुरु और सूर्य मंगल ये सेपरेशन करवाते हैं, मतभेद करवाते हैं। तो पार्टनरशिप जब भी आप करें, विवाह आप जब भी करें, तो थोड़ा सावधानी के साथ सोच समझकर गुण मिलान कर कर ही करें। मंगल मैंने बताया था, यदि लग्न में बैठ जाए, पंचम भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए, तो सेक्सुअल पावर जो है, काम वासना जो है वो ज़्यादा भर देता है। तो ध्यान योग अवश्य करना चाहिए, काम वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। सूर्य भाग्य भाव में बुध के साथ युति, बुध युति योग भाग्य भाव में बहुत अच्छा है। पिता से, भाग्य से, सरकार से, सब ओर से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। पार्टनरशिप का ध्यान रखिए, जरूर धोखा खा बैठेंगे, ये गुरु देंगे। यहाँ पर चंद्रमा की अंतरदशा चली हुई है 21/6/2018 से 21/1/2020 तक, अर्थात चंद्रमा हमारा मन है, माँ का कारक है। तो ये हो सकता है आप माँ के साथ अवश्य रहती हो, लेकिन मतभेद के कारण बोलती ना हो, माँ को गलत समझते हो, तो माँ बाप को गलत नहीं समझना चाहिए। तो आपको ये मानसिक चिंता शनि अवश्य देंगे, क्योंकि चंद्रमा भी इनके परम शत्रु ही हैं। तो जितना हो सके उतना मेष लग्न वालों के लिए मंगल, सूर्य, गुरु अच्छे ग्रह माने गए हैं, कारक ग्रह माने गए हैं। तो आपको एक तो चंद्र राहु की शांति अवश्य करवानी है, ताकि ग्रहण दोष शांत हो सके। भगवान शिव को आप नित्य जल और दूध, बिलुपत्र अर्पित कीजिए, ताकि चंद्र राहु की शांति भी हो और आपका मन प्रसन्न रहे, माँ का स्वास्थ्य सही रहे। पूर्णिमा का व्रत आप कीजिए, मंदिर में जाकर ब्राह्मण के पास जाइए, संकल्प लेकर ही आप व्रत कीजिए, अन्यथा व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। चंद्रमा को पूर्णिमा वाले दिन आप अर्घ्य प्रदान कीजिए, दूध से, जल से, शंख में भरकर, तो चंद्रमा आपका शुभ फल देगा। माँ की, दादी की, नानी की, जो भी आपकी घर में स्त्री हैं, उनकी आप आशीर्वाद अवश्य लीजिए, ताकि आपके सब काम बन जाए। कुत्ते को, चींटियों को आपको हमेशा रोटी, बिस्किट ये देने चाहिए। और शनि और राहु के लिए सबसे अच्छे हैं हनुमान चालीसा आप अवश्य पढ़िए। हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकते, वो बात अलग है, लेकिन हनुमान चालीसा अवश्य आपको पढ़नी चाहिए, ताकि आपको पॉजिटिव फल मिल सके। मंगल यहाँ बैठ गया, जुनून, उत्तेजना, एक्साइटेड अवश्य बनाएगा, लेकिन आपके अंदर पराक्रम बरतेगा, जो चाहेंगे आप वो प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा वाणी दोष दे देगा, क्योंकि ये क्रूर ग्रह भी है, लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ी हुई है साथ ही, तो गुरु मंगल को कंट्रोल में कर लेंगे। सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठ गए, संतान से सुख के भाव में, तो संतान से आपको सुख मिलेगा, संतान की तरफ से कोई चिंता की परेशानी वाली बात नहीं है। शुक्र यहाँ बैठ गए तो बैंक है, ब्यूटी पार्लर है, टीचिंग है। सप्तम भाव में गुरु बैठ गए तो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, उसका काम भी आप आराम से कर सकते हैं। यदि आप घर में बड़े हैं, भाई बहनों में बड़े हैं, तो आपको संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, त्याग की भावना आपको रखनी होगी। और हो सकता है आप मेहनत करें,
कर्म करें, अच्छा कर्म करें, फिर भी आपको यश ना मिले, ऐसा होगा, क्योंकि मेष लग्न के लोग जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होता है। तो इस चीज़ से आप हार मत मानिए, शनि की दशा चली हुई है तो शांति धैर्य से आप कार्य कीजिए। आपकी जो एनर्जी है उसको आप योगा प्राणायाम में, फिटनेस में लेकर आइए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो आपके काम आ सके आगे। और जितना हो सके घर वालों से प्रेम संबंध बनाकर रखिए। ये शनिदेव ही मतभेद पैदा करवा देते हैं, भाई बहनों से भी, माता पिता से भी, ये ऐसी कंडीशन पैदा करते हैं ताकि वो जो है वो इंसान घर से चला जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। शुक्र यहाँ किसी भी रूप में आपके लिए फायदेमंद नहीं होते, मेष लग्न वालों के लिए। तो जितने भी आपके मित्र हैं खासकर पुरुष वर्ग के, उनसे आप सावधान रहिएगा, सो समझ कर ही मित्रता कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव या हनुमान चालीसा आप पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है वो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप सर्च कर सकते हैं। तो ये आपकी जन्म कुंडली का विवरण रहा आपके समक्ष। तो दोस्तों आप भी अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, और सवाल जो भी समस्या हो वो समस्या अवश्य लिख के भेजिए ताकि उस पर ज़्यादा ध्यान जा सके। तो इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ, फिर एक और कुंडली लेकर यहाँ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।